हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है और मैं इसको आज बूटेबल सेटिंग में जाके कैसे चेंज करते हैं अपनी प्राइमरी डिवाइस को, मैं आपको ये आज बताऊंगा। तो सबसे पहले अपनी पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगा लेते हैं और मैं कंप्यूटर को ऑन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है और आपको इस जगह पर ध्यान देना है, क्योंकि जब भी कभी विंडो ऑन होती है तो उस जगह पर बूटेबल कोई भी डिवाइस अगर आप उसके साथ अटैच करते हैं तो वहाँ पे हमेशा लिख के आता है प्रेस एनी की टू स्टार्ट प्रोसेस। मतलब कोई भी की आप दबाइए, वहाँ पे आपका विंडो लोडिंग का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि अभी मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया है और इसके अंदर अभी कोई ऑप्शन नहीं आया है, विंडो डायरेक्ट ऑन हो गई है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इसका मतलब है कि जो हमने पेन ड्राइव अभी लगाई है वो फ़िलहाल अभी उस सेटिंग पे रन नहीं कर रही है कि उसमें जो विंडो इंस्टॉल्ड है वो ऑटोमेटिक रन कर जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सेटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देता हूँ मैं। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट मोड पे आएगा, डिलीट बटन दबाना है हमें, बार बार डिलीट बटन दबाना है, बायोस की सेटिंग आ जाएगी। ये देखिए, बायोस की सेटिंग आ चुकी है फ्रेंड्स। आपके कंप्यूटर में भी कुछ इसी तरीके से फीचर ओपन होता होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये एडवांस बायोस फीचर पे जाना है और एंटर करना है। और यहाँ पे देखिए, सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ है बूट डिवाइस प्रायोरिटी। बूट ड्राइव डिवाइस प्रायोरिटी पे आएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट बूट डिवाइस जो है वो HDD यानी कि हमारी हार्ड डिस्क है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस्केप एस्केप का बटन दबाएंगे और बैक करेंगे और उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे हार्ड डिस्क ड्राइव्स पे, इस पर एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ड्राइव में दिया हुआ है हार्ड डिस्क और सेकंड ड्राइव में दिया हुआ है हमारा USB। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइस जो हमारा सिलेक्टेड है उस पर एंटर करेंगे और यहाँ देखिए ये ऑप्शन आ गया, यहाँ से हम इसको चेंज कर लेंगे। हम एरो की का यूज करेंगे, अप डाउन करेंगे और अप डाउन जब आप करेंगे तो उसमें फ़र्क नज़र आएगा आपको। देखिए, जो हमारा अभी फर्स्ट है ये देखिए थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड है, सेकंड नंबर पे आएंगे तो ये देखिए ये USB वाला होगा, इस पे जाके हम एंटर कर देंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे देखिए हमारी सेटिंग जो है वो चेंज हो गई है। अब फर्स्ट ड्राइव में हमारा USB आ गया और सेकंड ड्राइव में हमारा हार्ड डिस्क आ गया है। बस और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर नीचे F10, ये देखिए कीबोर्ड में यहाँ पर ऊपर F10 दिया होता है, F10 का बटन होता है, इस F10 के बटन को हम प्रेस करेंगे और सेटिंग जो है वो पूछेगा कि सेव करनी है या नहीं, एंटर दबा देंगे, सेव हो जाएगी, विंडो हमारी नॉर्मली स्टार्ट होएगी। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अभी विंडो स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, प्रेस एनी की टू बूट डिवाइस। अगर आपने उसमें उस टाइम पे जब वो आता है तो हमें क्या करना होता है कि कोई भी की कीबोर्ड में प्रेस करेंगे, हमारा विंडो का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी सेटिंग थी फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।